शिखा श्रीवास्तव मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं मेरी वो रेसिपी कौन सी है। दोस्तों आलू तो आप सभी को उबालना आता है, परंतु आज मैं आपको जो आलू उबालने की ट्रिक बता रही हूँ उससे आपके समय की भी बचत होगी, गैस की भी बचत होगी और साथ ही आलू के जो पोषक तत्व हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर लिया है। दोस्तों आलू को मैंने 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लिया है। जब भी आप आलू को उबलने रखें हमेशा 3 से 4 बार आप उसे वॉश करें, ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी लगी रहती है, जो खाद लगी रहती है, कंपोस्ट लगी रहती है, वह निकल जाए। तो आलू को धोने के बाद मैंने इसमें इसे कुकर में डाला है। जब भी आप आलू को उबालें तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। जितना ज़्यादा हम आलू को उबालने के लिए पानी लेंगे आलू के जो पोषक तत्व हैं वो पानी में घुल जाएंगे और आलू में कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला है। वैसे भी आलू में पोषक तत्व तो बहुत ही कम होते हैं, परंतु जो होते हैं वो भी ज़्यादा पानी से निकल जाते हैं। साथ ही मैं 1 चम्मच के करीब नमक डालूंगी। नमक हम इसलिए डालते हैं इससे आलू बहुत जल्दी उबलता है। सिर्फ 1 सीटी या कभी कभी अगर बड़े साइज़ के आलू हैं तो 2 सीटी में ही आलू उबल जाते हैं। आप हमेशा नमक डालकर आलू उबालें, आप देखेंगे आलू का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और साथ ही साथ हमारे गैस की बहुत ज़्यादा बचत होती है। अब आप देख रहे हैं इन 5 से 6 आलू में मैंने मुश्किल से 1.25 ग्लास के करीब पानी लिया है। बिल्कुल इतना आलू लिया है कि सिर्फ स्टीम बन सके। हमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो सब इसके घुलनशील जो पोषक तत्व हैं वो पानी में ही घुल जाते हैं। किसी भी सब्ज़ी को उबालने में भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप 1/2 ग्लास से ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें। बस मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और नमक डालने से अब आप देखेंगे कितने भी बड़े साइज़ के आलू हों वो बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। अब मैं इस कुकर को मैंने गैस चालू कर दिया है। दोस्तों 5 मिनट तक के बस मैं ऐसे ही इसे रखूंगी तेज आंच पर और बिल्कुल स्लो आंच पर 1 सीटी बजाना है। दोस्तों हमें ये इस कुकर की 1 सीटी हो गई है। अब मैंने सिर्फ 1 सीटी बजाने के बाद ही इस गैस को बंद कर दिया था। अब मैं आपको खोलकर दिखा रही हूँ कुकर का ढक्कन। आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल उबल चुके हैं। इसका कारण ये है दोस्तों, 1 सीटी नहीं तो कई बार आप देखेंगे कि 2-2, 3-3 सीटी बजाना पड़ता है हमें बड़े साइज़ के आलू में। पानी आप देख सकते हैं मुश्किल से हमने 1/2 ग्लास के करीब पानी डाला था और फिर भी थोड़ा पानी बच गया है। ऐसा नहीं कि हमारे कुकर का पानी जल गया है, बिल्कुल पानी बचा हुआ है और आलू बहुत अच्छी तरह से उबल गए हैं। अभी मैं आपको आलू को मसल कर भी दिखाती हूँ। तो इसका कारण यह है कि नमक डालने से कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आलू उबालें तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रखें और नमक ज़रूर डालें। 1 सीटी में ही आप बड़े साइज़ के आलू को आसानी से पका सकते हैं। ये देखिए सभी आलू मैं आपको इस तरह से कुकर से निकाल कर दिखा रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है आलू। अभी मैं आपको छील कर भी दिखाती हूँ। पानी आप देख सकते हैं जितना मैंने 1/2 ग्लास के करीब डाला था थोड़ा सा ही पानी का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी सब्ज़ी उबालें या आलू उबालें तो पानी की मात्रा बहुत कम लें और थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। अब आप देख सकते हैं आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है और साथ ही साथ नमक डाल के उबालने से बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो दोस्तों इस तरह से गैस की, समय की और पैसे की बचत है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।